Hey guys, welcome once again. अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। आज हम बात करने जा रहे हैं पांच ऐसे खिलाड़ी की दोनों टीम के बारे में जो अच्छा खेल सकते हैं और विनिंग परसेंटेज मैं लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम CSK के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इनके जो की फैक्टर खिलाड़ी रहेंगे वो धोनी एज यूजुअल, जो कि फिनिशर के रोल में आ सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो कि फ्रॉम द बिगनिंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ द, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ वो खेल रहे हैं, रहना होंगे। तीसरे नंबर पर जैसा हम बात करेंगे वो इमरान ताहिर एज ए बॉलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है चेन्नई सुपर किंग के लिए। चौथे नंबर पे जल्दी जल्दी मैं चूँकि वीडियो बना रहा हूँ, चूँकि ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाना है। चौथे नंबर पे जैसे कि फॉक टू प्लेसी के बारे में आप जान सकते हैं, जो कि वो बहुत ही अच्छा अभी तक फॉर्म में चल रहे हैं। पाँचवा नंबर खिलाड़ी एक रिस्क फैक्टर है, अगर चेन्नई ब्रेवो को खिलाती है तो ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर देखा जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अब दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। दिल्ली कैपिटल्स के बारे में एज यूजुअल की फैक्टर ऋषभ पंत रहेंगे। वहीं पे दूसरे नंबर पे मैं रेटिंग दे रहा हूँ पृथ्वी शॉ को, चूँकि पिछले मैच में उनका फॉर्म अच्छा है। वहीं तीसरे नंबर पे भी मैं फिर से ओपनर को ही रख रहा हूँ, शिखर धवन को रख रहा हूँ। चौथे नंबर पे अगर बात करें तो बॉलिंग के ऑप्शन की, तो रवाडा अच्छे फॉर्म में है। और पाँचवें नंबर पे एक अगर रिस्क फैक्टर को छोड़ के अगर थोड़ा सा गैम्बल किया जाए तो रदरफोर्ड अच्छा खेल सकते हैं। तो ओवरऑल सब एनालिसिस करने के बाद अगर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं आज विनिंग परसेंटेज के हिसाब से अगर मुझे देना पड़े तो मैं चेन्नई को 70% देता हूँ और दिल्ली को 30% देता हूँ, क्योंकि ये क्वालिफाइड टू है, एक्सपीरियंस गेम है और इसमें कोई से भी टीम जीत सकती है। तो अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगे तो अनलाइक भी कीजिए और कमेंट में लिखिए कि क्या अच्छा नहीं लगा है। थैंक यू।